हेलो एवरीवन माय नेम इज़ दीप्ति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मेकअप लुक्स बाय दीप्ति तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मोरिंगा फेस मास्क मोरिंगा जितना ही बेनिफिशियल आपकी इंटरनल बॉडी के लिए होता है उतना ही एक्सेलेंट होता है आपकी स्किन के लिए और स्पेशली अगर आपकी स्किन ऑयली एंड एक्ने प्रोन है तो ये आपके लिए बहुत ही अमेजिंगली काम करेगा मैं इस मोरिंगा मास्क को काफ़ी समय से इस्तेमाल कर रही हूँ एंड आई हैव सीन ग्रेट रिजल्ट तो चलिए कुछ मोरिंगा के बेनिफिट्स के बारे में जान लेते हैं मोरिंगा इज रिच इन विटामिन ए सी एंड ई इसमें एंटी ऑक्सीडेंट एंटी इन्फ्लेमेटरी नरिशिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसकी वजह से स्किन से जुड़ी काफ़ी प्रॉब्लम्स को ये ठीक करता है और एक्ने पे तो ये कमाल का काम करता है उससे जुड़े एक्टने स्कास को भी ये ठीक करता है लार्ज पोज को भी ये रिड्यूस करता है कोलाजिन को बूस्ट करके आपकी स्किन पे जो फाइन लाइन्स रिंकल्स पड़ जाते हैं उसको भी ये ठीक करता है और ओवरऑल आपके इस कॉम्प्लेक्शन पर ये काफ़ी अच्छा काम करता है तो जल्दी से इस मास्क को बनाना सीख लेते हैं अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरा चैनल इस मास्क का की इंग्रेडिएंट है मोरिंगा मोरिंगा को मैंने एज अ पाउडर की तरह इस्तेमाल किया है और इस पाउडर को कैसे बनाते हैं उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया जिसका लिंक आपको इस वीडियो में ऊपर मिल जाएगा तो सबसे पहले आपको इस मोरिंगा पाउडर का इसमें एक स्पून डालना है ऐसे तो आप मोरिंगा के पत्तों को पीस के भी लगा सकते हैं पर अगर इस तरह से पाउडर की फॉर्म में यूज़ करेंगे तो वो अच्छे से अप्लाई हो जाएगा नेक्स्ट इसमें मैंने थोड़ी सी हल्दी डाली है हल्दी में एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपके एक्ने पे बहुत अच्छी काम करती है एक्ने स्कास को भी हेल्प करती है और आपके ओवरऑल स्किन कॉम्प्लेक्शन को भी ये ब्राइट करती है नेक्स्ट हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा एलोवेरा जेल एलोवेरा जेल में एक कामिंग प्रॉपर्टी होती है आपके एक्ने में जो रेडनेस हो जाती है स्वेलिंग हो जाती है जलन होती है उसको भी ये कम करता है और एक्ने के बाद जो आपकी स्किन डैमेज हो जाता है उसको भी ये रिपेयर करने में काफ़ी मदद करता है नेक्स्ट मैंने इसमें यूज़ किया है टू ड्रॉप्स ऑफ टी ट्री ऑयल यहाँ पे मैंने ब्यूटी को कंपनी का यूज़ किया है जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है तो आप भी इसको परचेस कर सकते हैं टी ट्री ऑयल बेसिकली आपके सीबम प्रोडक्शन को रेगुलेट करता है और आपके स्किन पे जो ऑयलीनेस है उसको रिड्यूस करता है जो कि मेन रीज़न होता है एक्ने और पिम्पल्स होने का मैंने इसमें थोड़ा सा गुनगुना पानी ऐड किया और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके एक अच्छे से पेस्ट फॉर्म कर लिया है अगर आपके फेस पे एक्ने और पिपल्स की प्रॉब्लम है तो आप इस मास्क को दो से तीन बार यूज़ कर सकते हैं वीक में और अगर आप इस मास्क को एज अ कॉम्प्लेक्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं तो आप इसको वंस अ वीक भी यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स जब भी हम कभी होम रेमेडी इस तरह से इस्तेमाल करते हैं तो उसका रिज़ल्ट हमें दो से तीन दिन में नहीं पता चलता है इस रेमेडी को आप कम से कम पंद्रह से बीस दिन ज़रूर इस्तेमाल करिए उसके बाद ही इसका रिज़ल्ट आना आपको फ़ील होगा मैं इस मोरिंगा के मास्क को अराउंड टू मंथ से इस्तेमाल कर रही हूँ और मेरे एक्ने में काफ़ी रिडक्शन हुई है और मेरा स्किन कॉम्प्लेक्शन भी काफ़ी ब्राइट हुआ है एंड फ्रेंड्स आई वुड रिकमेंड कि अगर आपका स्किन काफ़ी सेंसिटिव है तो पूरे चेहरे पे इसका इस्तेमाल करने से पहले थोड़े से हिस्से पर आप इसका पैच टेस्ट कर लें और इस तरह से जब मैं होम रेमडीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ तो उससे पहले मैं उसका इस्तेमाल अपने पे ज़रूर करती हूँ जब भी मैं हंड्रेड परसेंट सेटिस्फाइड होती हूँ उनके रिज़ल्ट से तभी इन वीडियोस के थ्रू मैं आपके साथ इन होम रेमेडीज़ को शेयर करती हूँ इस फेस मास्क को आप अपने फेस पे इवनली अच्छे से स्प्रेड कर देंगे और इसको छोड़ देंगे कम से कम पंद्रह से बीस मिनट के लिए अच्छे से जब ये ड्राई आउट हो जाएगा तो एक गुनगुने पानी के साथ आप अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लेंगे इस होम रेमेडी को आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस आप मेरे साथ नीचे दिए कमेंट सेक्शन पे ज़रूर शेयर कीजिएगा मुझे बहुत खुशी होगी आप सबके एक्सपीरियंस जानने में आप मेरे साथ इंस्टाग्राम फेसबुक और ट्विटर पे भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है तो आप वहाँ पर प्लीज़ मुझे फॉलो कीजिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा इस वीडियो को और इस मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा मैं आपके लिए जल्द आऊँगी एक बहुत अच्छा वीडियो टिल देन टेक केयर एंड बाय